अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आशमास किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मस्त पनीर की रेसिपी। तो चलिए इस पनीर की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने पनीर लिया हुआ है, तो करीबन हाफ के जी हमारे पास ये पनीर है। तो पहले हम पनीर के स्लाइसेस को कट कर लेंगे। तो बड़े बड़े स्लाइसेस हमें कट करने हैं, उसी हिसाब से आप पनीर के पीसेस को कट कीजिए। तो बीच में से आप इस तरह से कट करेंगे तो आपको स्क्वायर शेप्स या क्यूबॉइड शेप मिल जाएगा, जितना कि हमें चाहिए है। तो इस तरीके से हमने बड़े बड़े पीसेस कट कर लेने हैं। अब यहाँ पर कुछ मसाले हम देखेंगे कि क्या लगने वाले हैं। तो ये है हमारे पास खड़ा धनिया, सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्ची, कड़ी पत्ता, खड़ी मिर्ची और दालचीनी। तो यहाँ पर पैन में हमने डाल दिया है आधी चम्मच काली मिर्ची, आधी चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच सौंफ और एक चम्मच खड़ा धनिया और तीन से चार टुकड़े हमने दालचीनी के, चार पांच खड़ी मिर्ची और फ्रेश करी पत्ता हमने यहाँ पर ले लिया है। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। जैसे ही ये रोस्ट हो जाए, हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे, मॉइस्चर फ्री हो जाए, आप इसको प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद आप इसको ग्राइंडर में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमने एक पैन में डाल दिया है ऑयल 1 टेबल स्पून और यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज हमने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। और ये देखिए मसाले हमारे पिस गए हैं। और यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्ची, प्याज को ट्रांसलूसेंट होने के बाद ही हम इसमें डाल देंगे। डार्क प्याज नहीं करना है हमने यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा से फ्रेश करी लीव्स और एड ऑन करेंगे। और ये है एक शिमला मिर्ची जिसे हमने बड़े पीसेस में कट कर लिया है, वो भी हम यहाँ पर एड ऑन कर देंगे। और ये आधी चम्मच हल्दी हमने इसमें डाल दी है। और ये जो मसाले हमने तैयार किए थे, ग्राइंड किए थे, वो भी हम यहाँ पर साथ में डाल देंगे। अब इन मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे। जैसे ही ये भूनकर तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पर हम पनीर के क्यूब्स इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने पनीर को चला लेना है, मिक्स कर लेना है और ये मज़ेदार से पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो आप इस पनीर की रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे हम लास्ट में इसमें नमक ऐड ऑन कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड ऑन कीजिए और इसको चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और अब चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और हम आपके साथ इसी तरह से जुड़े रहें। तो देखिए, तब तक इन्जॉय कीजिए। ये पनीर देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।